हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं और ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा भाई नया घर था, तो नीचे की साइड आप देखोगे तो इधर की साइड आप देखिए, ये पूरा ऐसे टाइल्स है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर ठंडे ठंडे पैर होते हैं। तो हमने क्या किया, 4x7 की कारपेट ऑर्डर की। और मेरा बड़ा मन था कि भाई, ठंडी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सभी रूम में कारपेट लगा दो और चारपाई से उतरें जब कारपेट, चढ़ें जब कारपेट, तो पैर ठंडे ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ टाइम पहले अभी वीडियो शूट कर रहा था, आप देख सकते हैं लाइट वगैरह लगी हुई है पूरी। तो ये है हमारा पैकेट जो हमारा आया हुआ है, अब हम इसे ले जाते बाहर। ये मेरा सोफा रखा है यहाँ पे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए मैंने ये बंद करके रखा था पूरा। अभी इसे ओपन करते हैं और चलते हैं इसे बाहर लेके, क्योंकि बाहर ही अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। तो दोस्तों, हमें फिर से वापस अपने रूम में आना पड़ा। यहाँ पे इस पैकेट को डालते हैं, लाइट को करते हैं ऑन, सभी लाइट को, क्योंकि बाहर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। करते हैं इस गेट को बंद और उसके बाद भाई इसको देखते हैं ये कारपेट निकलती कैसी है। इसकी अनबॉक्सिंग तो करनी है मेरे को, लेकिन इसकी क्वालिटी कैसा है, क्योंकि भाई ये ठंडा ठंडा बहुत होता है, ये दिखता नहीं इतना ठंडा, लेकिन काफ़ी ठंडा होता है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कैसी रहती है ये वीडियो। हेलो गाइज, अभी हमारे साथ ना कुछ इशू हमेशा होता ही रहता है। लास्ट टाइम क्या हुआ, जब हम मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए बैठा तो लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद अनबॉक्सिंग नहीं हो पाई, फिर मैं सो गया। दूसरे दिन फिर मैंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट की और अनबॉक्सिंग कर भी ली। कारपेट को मैंने बाहर बिछा दिया लॉबी में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कारपेट कैसी देख रही है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हमें ख़रीदनी है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसा कि नया घर है, तो कुछ हमें डबल बेड और सिंगल बेड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी लेने के लिए जाने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में कारपेट की बात करते हैं, तो कारपेट मैं दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। तो फिलहाल में दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी लॉबी में और हमने जो कारपेट ऑर्डर की थी वो हमने लॉबी में ही बिछा दी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं ये कारपेट है और हमने यहाँ पर बिछा के रखी है। थोड़ा दूर से दिखाऊँगा तो शायद आपको अच्छे से दिख पाएगी। तो ये हमारी कारपेट है, तो ये हमने यहाँ पर लॉबी में सोफों के सामने बिछा दिया। तो पास जाके मैं एक बार और लुक आपको दिखाऊंगा कि कैसा लुक आ रहा है, तो आप नज़दीक से देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये कारपेट जो हमने ऑर्डर की थी ये कुछ इस तरह की है। और आपको पता होगा ये कारपेट टोटली फ्री ऑर्डर हुई थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमने फिलहाल में यहाँ पर बिछा दी है। तो दोस्तों, आपने कारपेट देख ली और जैसा कि आपको पता होगा, कारपेट थोड़ी छोटी थी, मतलब जो साइज़ उसमें बताया गया था उससे थोड़ी कम थी। पता नहीं उन्होंने कैसे इसका मेजरमेंट किया है, इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन कारपेट ठीक थी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, ये कारपेट हमें टोटली फ्री में मिली थी। तो वो टोटली फ्री में हमें कैसे मिली वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्लोरोड नाम का एप्लीकेशन है, उसका लिंक दिया है, वहाँ से हमको ये फ्री में मिली थी। अगर आप भी फ्री में लेना चाहते हैं तो आप भी ग्लोरोड एप्लीकेशन डाउनलोड करके, उसमें फ्री प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप भी फ्री में कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी का नया ब्लॉग हम बनाएंगे जब सोफे वगैरह लेने जाएंगे, तो उस टाइम पर आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग पाने के लिए। ये ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।